अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका उस्मानी खान और वायरल वर्ल्ड्स की तरफ से आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, आज एक नई जॉब्स अपडेट के साथ पेश खिदमत हाज़िर हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम से एक रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे पुराने चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि तमाम ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बहन ने कमेंट किया हुआ था कि सर कोई AJ की जो जॉब्स हैं, आज़ाद कश्मीर की जो जॉब्स हैं, वो भी अपडेट किया करें अपने चैनल पे। तो उन बहन से रिक्वेस्ट है कि आज जो है आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो हम पूरी कर रहे हैं। असल में होता ये है कि AJK की जॉब्स बहुत कम आती हैं, तो इसलिए जैसे ही आती हैं हम अनाउंस करते हैं। लेकिन यह कि कुछ अर्सा ऐसा हो गया था कि जॉब्स नहीं आई थी आज़ाद जम्मू कश्मीर की, तो आज एक जॉब्स अपडेट जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो है वो उसकी तरफ से अनाउंस की है। तो उसके बारे में हम आज आपको बताएँगे कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जो जॉब है वो किस डिपार्टमेंट में आई है, और इसका अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है, लास्ट डेट क्या है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो ये आज की जो जॉब अपडेट है ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड मुजफ्फराबाद की तरफ से अनाउंस करता है, और इसमें जो है रेगुलर बेस पे नहीं है जॉब्स, आर्जी तौर पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हैं। और उम्र की जो इसमें हद है वो 18 से 40 साल है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 4 मार्च 2022। और इसके अगर मैं जॉब एडवर्टाइज़मेंट की तरफ आपको ले चलूं, तो ये आपके सामने जॉब एडवर्टाइज़मेंट है, और इसमें हम आपको बताते हैं कि इसमें आर्किटेक्ट की जॉब है जो BPS 17 में है, और इसकी असामी एक है, और इसमें जो है बैचलर्स की डिग्री उन्होंने मांगी हुई है, ओपन मेरिट है। और इसके जो अप्लाई वाले लोग हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, माँ सिवाय जहलम बेली के बाकी तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दूसरी जो जॉब वैकेंसी है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की है, मॉनिटरिंग बी की, और ये BPS 17 की है, और इसकी तादाद एक है, और मास्टर डिग्री इन्होंने मांगी भी है, और इसके बाद ओपन मेरिट है, और मासीवाय ज़िला कोटली के। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर BPS 17 है और एक वैकेंसी है, और इसमें भी बैचलर्स की डिग्री मांगी हुई है, ओपन मेरिट है, मासीवाय मुहाजरीन मुकीम पाकिस्तानी ज़िला कोटली के लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर BPS 17 है, और इसमें जो है BCom मांगी हुई है, और ओपन मेरिट है, मासीवाय महाजरीन मुकीम पाकिस्तान और ज़िला कोटली। उसके बाद स्टेनोग्राफर की है, ये BPS 14 में है, और इसके लिए एक है, और इसमें आई थिंक बैचलर डिग्री मांगी हुई है इन्होंने, और मीरपुर के लोग जो इसमें हैं अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सीनियर क्लर्क की BPS 14 की है, और इसमें भी बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है, और मुजफ्फराबाद के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो 7th नंबर पे वैकेंसी है वो जूनियर क्लर्क की है, BPS 11 में है, उसकी 5 वैकेंसीज हैं, और इसमें भी बैचलर्स जो है इन्होंने मांगी हुई है, और मुजफ्फराबाद की जो 2 वैकेंसीज हैं, भिम्बर की एक है, मीरपुर की एक है, और ओपन मेरिट भी एक है। उसके बाद अपना मैकेनिकल सुपरवाइज़र है, BPS 11 है, और इसकी 2 वैकेंसीज हैं, मैट्रिक मांगी हुई है इन्होंने, और मुजफ्फराबाद की एक है और मीरपुर की एक है। उसके बाद इंस्पेक्टर तजावजात BPS 11, इसके लिए बैचलर्स डिग्री है, और सदनौती के लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स इंस्पेक्टर की है BPS 11 में, और बैचलर्स डिग्री है, मुजफ्फराबाद के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नायब कासिद है BPS 1 में, और एक ही अप्लाई इसकी वैकेंसी है, और उसके लिए बस पढ़ा लिखा होना चाहिए, मुजफ्फराबाद की। और इसके बाद सेंट्री वर्कर की जो लास्ट वैकेंसी है उसकी 2 वैकेंसीज हैं, और BPS 1 में है, और ये भी पढ़ा लिखा होना चाहिए कुछ ना कुछ, मुजफ्फराबाद के लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताता चलो जो अहम इंफॉर्मेशन है, ये देख सकते हैं दरख्वास्त फॉर्म जो कि HTTPS/, ये आगे इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ से इस वेबसाइट से आपने डाउनलोड करने हैं। और उसके बाद 300 रुपये का जो है अकाउंट नंबर जो ये दिया गया है, नेशनल बैंक 76 दोमेल ब्रांच मुजफ्फराबाद में, ऑनलाइन आपने चालान फॉर्म जमा करवाना है, और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने इस वेबसाइट से डाउनलोड करना है अपनी तमाम असरात की कॉपीज़ के साथ लगा के, तो इस एड्रेस के ऊपर आपने भिजवा देना है। सरदार अकील महमूद, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, अपर 76 हाउसिंग स्कीम, मुजफ्फराबाद। तो ये थी आज की जॉब्स अपडेट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आखिर में अपने उस्मानी खान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।